हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी, गुड मॉर्निंग सबको। और नंदनी है रेडी। सबसे पहले हैं, बोलते भी तो हैं कुछ। बोलो हेलो। सबको नमस्ते। हैं, बोलो सबको नमस्ते। अरे हमारे ढोकरू, ऐसे करते हैं ना। हैं, और ये रेडी है वो स्कूल जाने के लिए। दो अभी तैयार हो रहे हैं, बस 1 मिनट के अंदर वो भी हो लेंगे। और नाश्ता पानी उनका आ गया है, ये रखी है थाली। क्या कह रही नंदनी? हाँ बताओ। देखो ये कल अनु कह रही थी कि कल मुझे रेजर वाली पेंसिल लाई हो, एक दे दी। अनु कह रही मैं खो के नहीं ला लेगी, और फिर उसे कल भी नहीं दी थी, वो अभी खो के आई। क्या जिसमें पीछे रेजर लगा रहा है? किसी बच्चों को पकड़ा दे, बटन जाएगा तो वही बटन। हाँ वहाँ पर साथ थोड़े ही ना चढ़ रहा। इरेजर वाली मंगवाई थी क्या जिसमें पीछे इरेजर हो? बेटा ध्यान रखना अपनी पेंसिल इरेजर सॉफ्ट। ये चैन फ्री हो रही, उठा लेते होगे बच्चे इसके बैग के। नहीं आता, इसमें रखा है। के में इस वाले चैन खोल के ले लेते होगे। चलो चलो, हाँ उस पॉकेट में रखियो जिसमें चैन है। चलो चलो जल्दी खा लो, जाए 1 मिनट के अंदर है। थप्पड़ मार अगर। नहीं अब मारपीट की बात नहीं करते। मैम जी को बता कर। मारपीट की बात नहीं करते। मैम जी को बता दे कर। ठीक है तू बता दे थोड़ी, तो फिर मैम जी दे छात्र जी वे किसी और चाहे तू पे लेट 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 जिसमें मैम जी तू पता भी नहीं होता। हाँ ठीक है ऐसे ही करा करो। शाम के बजे हैं 5:30 और मैं चल दिया एक और शादी अटेंड करने। मैं रिलेटिव के यहाँ पे ही है, सब जगह हाजिरी लगानी जरूरी होती है भाई, और कन्यादान में तो स्पेशली। और मैं जा रहा हूँ, पिंकी बहन है ना मुजफ्फरनगर में, उनके बगल में ही है हमारी बुआ जी की बेटी, उनके यहाँ पे है। और जाने का मेरा भी था लेकिन मैं अब सुबह से काम कर करके थक चुकी हूँ। इन्होंने भाई बहू भेजी आज दशहरा करा। आज दशहरा करा करें क्या करा करें? वो दशहरी करा करें तो बहू आज भेज दी इधर से। कद को जाएंगे लेना संडे में? तो चलो भाई ऐसे ऐसे रहेगा प्रोग्राम। और मेरा प्रोग्राम ऐसे है कि मैं चल जाऊँ भाई। ठीक है, जाग तुक संभाल लियो आज। ठीक है, आराम से जाइयो और आराम से आइयो। हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो गाइज अभी सुबह के 10 बज गए हैं और आज बहुत सारे कपड़े संगवाए जा रहे क्योंकि सर्दियां अब ख़त्म हो चुकी है। अच्छी खासी धूप निकलने लगी है, अब तो पसीना आ रहा कल से, इतनी तेज़ धूप है। तो कुछ कपड़े मैंने बेड में रख दिए हैं, कुछ यहाँ पर तैयार कर रखे अंदर वाले बॉक्स में रखने के लिए, कुछ अलमारियों में सेट कर देंगे, और जो नई ड्रेस है इनकी इन सब के ऊपर रख देंगे एक बेड में, और बिस्तरे वगैरह भी सब रखने की अब समय आ चुका है क्योंकि रजाइयों में अब गर्मी लगने लगी। रात बच्चों ने मतलब गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी है पूरी, पंखा चला रखा था। मैं और प्रीति सुबह से इन कामों में ही उलझे हुए हैं, और गुड्डू के पापा तो कल शादी में चले गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। आज बच्चों का पहला पेपर था, सुबह से मैं व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं कर पाई, ज़्यादा गला बैठा हुआ था। पता नहीं मैं कुछ ऐसी चीज़ खा भी नहीं रही, कल बस गोलगप्पा खाया था एक, शायद उसकी वजह से। वैसी चीज़ मैंने कोई नहीं खाई, लस्सी मट्ठा तक का मतलब मेरा पीने का मन करता है, दही लस्सी खाने का मन करता है, लेकिन वो मैं खा नहीं रही, जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो इधर भी देखो पिटारा खुला हुआ है, लेकिन प्रीति ने तो बहुत सारे कपड़े कल ही संगवा दिए थे। मेरे वाले कमरे में ज़्यादा अस्त व्यस्त है। कल गुड्डू चिंकी का मैथ का पेपर है जो है तैयारी कर रहे, और मैं प्रीति संगवाएंगे फिर खाना बनाएंगे। सब्जी रखी हुई है, बस रोटियाँ सेकनी है जब तक गुड्डू के पापा भी आ जाएंगे। कपड़ों की धुलाई आज हमें नए घर में करनी पड़ेगी क्योंकि बाहर नाली में जो है काम चल रहा और वहाँ का पानी बंद कर रखा। तो चलो भाई, बहुत सारी चीज़ें हमने संगवा दी, बहुत सारी रह रही, और जी सारे काम जो है अच्छे से निपट गए शादी के। अमित की बहुत अच्छा रहा सब कुछ, सबने खूब इंजॉय किया, जैसा जैसा जिसने सबने सोचा था ना वैसा ही हुआ। तो जी नमस्कार एक बार आप सबको फिर से, और हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं भाई चिंकी और गुड्डू के स्कूल से ममता ऋषि मैम। देखो ये मिलने आई हैं, और सबसे पहले उलाना इन्होंने दिया है भाई, शादी में तो बुलाया नहीं है और हम होके जरूर आएंगे। तो जी वेलकम है मैम साहब का। और चिंकी का जब एडमिशन कराया था हमने 2 साल पहले, तो इन्हीं ने संभाला था, और इनको क्रेडिट जाता है पूरा पूरा कि चिंकी
इनकी बदौलत मैम की आज वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई कर रही है। तो भाई आरुष है नाराज अभी फिलहाल और स्कूल से ही आ गया था भाई, इनके एग्ज़ाम शुरू हो गए। तो भाई एग्ज़ाम तो इसका ठीक ठाक ही हुआ है और इसके टीवी का रिचार्ज हो गया ख़त्म और इसे कुछ देखने को नहीं मिल रहा और ये बोर हो रहा है। तो ये बता पेपर कैसा हुआ तेरा? तो भाई ये अकेला शख्स ऐसा है जो बोर जल्दी हो जाता है, बाकी सब किसी न किसी एक्टिविटी में बिजी हो जाएं, जैसे कि नंदनी और आरुषि और चिंकी गुड्डू अपनी पढ़ाई में लग जाएं। हैं पढ़े तो ये भी, लेकिन ये क्या है कि इसे थोड़ा सा टाइम चाहिए। चल बेटा नाराज़ नहीं होते हैं, अभी करवाता हूँ रिचार्ज। तो फ़ोन करना पड़ता है भाई हमारे टीवी केबल ऑपरेटर को, तो उसका जो है रीन्यू करवाना पड़ेगा मुझे। नाली बंद होने की वजह से कपड़े धोएंगे हम उधर अपने नए घर में, और सारे कपड़े गठड़ी बांध के वहीं पे भिजवा दिए और अपनी कपड़े धोने की मशीन भी भिजवा दी। पानी की व्यवस्था है, नाली की अच्छी सी व्यवस्था है, टोंटी भी लगी हुई है। तो अब मैं चलती हूँ वहीं पे और ये दो शरारती मेरे साथ चलेंगे, और यहाँ का थोड़ा सा क्लीनिंग का काम हम लोगों ने कर दिया, खाना पीना सबको हो चुका है। 3 बज गए होंगे शायद, 3 बज गए। कपड़े वैसे तो जल्दी धुल जाएंगे, कुछ हाथ के हैं कुछ मशीन के हैं, तो केले केले का जाने कुछ ही नहीं कर रहा बिल्कुल। मैं कभी प्रीति को कहूँ कभी चिंकी को कहूँ, चलो कभी से कह दूँ। कपड़े धोने का ब्रश भिजवा दिया, चले कपड़े धोने का ब्रश भी लिए ठाक है भाई। पतंग के दीवाने हो रहे, बसंत पंचमी को कोई नहीं उड़ता, और वैसे रोज उड़ा वैसे। तो गाइस कपड़े धोने का हमने ब्रश ले लिया है, अभी चलते घर में, वहाँ पे मशीन रखी है हमारी और हम धोएंगे कपड़े रगड़ रगड़ के। जब ये क्यों कटेंगे ना चिंकी, यहाँ तो बहुत सारा सामान निकलेगा हमारा, किसी की चप्पल निकलेगी किसी का कुछ निकलेगा। चलो मैं खोल लूँगी मैं, बस टेक्निक बात नहीं है मेरे बस में बात। तो गाइस हमने गेट खोल लिया है, ऐसा जी करे इस खाट पे लेट जाओ तक ये ला के। ऐसे ही लेट जाऊं? मम्मी देखो फिर से लहसुन हो गया, ये देखो फिर से हो गया लहसुन वहां पे छोटी छोटी सब्जी। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ का जो फर्श एकदम कणक सेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे चल रही थी भट्टी, और ये देखो कितनी बड़ी बड़ी कढ़ाई है यहाँ पे। बैठ जाते हैं, आज ना गर्मी इतनी हो रही बस क्या बता दे कितनी गर्मी हो रही है आज। ऐसे मत्ते पात रख रख के कह रही क्या बता दो, बारे तो गर्मी हो रही और यहाँ पे सर्दी हो रही। ये देखो हमारा बाथरूम कितना सुंदर है ना घर का। इसमें नाला भी, हम तो फुहारे में नहाते रहते हैं, मजे करते हैं। हैं बेबी हम भी डुबकी लगा लो 3-4 तुम तो हैं। मैं तो फुहारे में नहाती हूं थी, बहुत मजे करते हैं। चलाओ फुहारा, चलो यार साइड से करा देना बेबी। ऐसे बेबी तुमने कपड़े डाल दिए अभी ना डालना है बेबी, तुम कितने बोलते हो। लाओ बेबी आपके 2-3 बजा ही दो। मम्मी देख लो बजा, ये ना गिरा, ये तो नवे है आप तो धोने। ओ नहीं कपड़े गिर दिए, ये मेरी उसकी चुन्नी है ना, ये मेरी शरारे की चुन्नी है, ये देखो गाइस मेरे शरारे की चुन्नी, बारबी कलर का शरारा है मेरा। इतना हद तक कपड़े धोएंगे, लाइट भाग गई पोपट हो गया हमारा। तो गाइस अब हमने चला के देखा था ये फुहारा, कपड़े धो लाइट चली गई, कपड़े धोना है तो पोपट हो गया लाइट चली गई, ये देखो। अरे मेरे बुंदर बेबी जी पी ले, अभी ला रही हूँ। चलो गाइस बाल्टी ढा लेते हैं, अरे कितनी भारी है बबुआ, ठंडे पानी में नहा लिए था। सुबह की नहीं आई यहाँ पे, हमने भी फुहारा चला के देखा था। ऐसे दिन में सोच रही थी नंदनी को भिगा दूंगी, नंदनी तो भिग गई नहीं।
गाइस देखो फिर से लहसुन हो गया और यहाँ से सब कुछ छूट गया। मैं वहाँ पे थी और मैं वहाँ से आती रही और मुझे ये भी नहीं पता चला कब मैं नहीं सब कुछ पीछे चला गया, मतलब एकदम खाली हो गई। देखो फिर से मुझे इन सब्जियों की बहुत ही याद आ रही। जब मैंने ये सब्जी फाड़ी थी ना तो मुझे बहुत ही जोर पड़ा था सब्जी फाड़ने में। बच्चे कभी घर जा रहे कभी यहाँ आ रहे हमारे पास में, और बीच में फिर से लाइट चली गई है। आधा से ज़्यादा कपड़े तो आते धो दिए हमने, और प्रीति जो है वो निकाल ली पानी में को, और चाचा जी टैंक का पानी चेक करने के लिए जा रहे क्योंकि हमने वो घर से पानी चलाया था ना, पानी की जो सर्विस है वो घर से यहीं पे पाइपलाइन के द्वारा भिजवा रखी ना, तो चेक करना ज़रूरी है। और चौकी का रंग भी पता नहीं चल रहा, इतना गंदा हो रहा, चिक्कट हो रहा, बर्तन साफ हुए ना यहाँ से। और वैसे हमने घिसाई करवाई नहीं थी, वो ठीक हो गया, घिसाई अब होगी इसकी। और ये दो पट्टी बांध दी, पूरे कपड़े इन पर आ जाएंगे। अगर लाइट आ जाती ना तो सूख के ना जल्दी ईजी हो जाता हमारा काम, सूख के जल्दी सूख जाते, आधे मशीन तो धुते आधे हाथ पे। ये देखो इतने सारे धुल गए, यहाँ से धोए हमने दोनों ने, मशीन के मशीन में ही पड़े, बस ये रह रही है अब तो। और कुछ कुर्सी पर रखे अब दूंगी मैं, भूख सी लग रही है मुझे, लाऊंगे कुछ घर तो जाके, खट्टा मीठा कुछ यही खा लेंगे दोनों और क्या। काम करते टाइम ही तो भूख लगे, कुछ ना कुछ तो होना जरूर चाहिए। और पानी देख नीचे धरती में कैसे समा रहा, बढ़िया है, फायदे के लिए है हमारे तो, क्योंकि मिट्टी बैठेगी सेट हो जाएगी मिट्टी। हाँ बढ़िया सेट हो जाएगी, वैसे तो ये बारिश में भी बढ़िया सेट हो रही, लेकिन और भी अच्छी सेट हो जाएगी। और इधर की हालत देखोगे ना, देखो कैसा हो गया, पूरा चिक्कट हो गया। यहाँ भट्टी चल रही थी ना, और अंदर भी पता नहीं तेल ताल घी घा क्या खिंड रहा कुछ पता नहीं है, लेकिन हमें इसमें मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने की। अब चलेगी इस पे यहाँ से घिसाई, 5-7 दिन में रेस्ट सा लेकर फिर से यहाँ काम शुरू हो जाएगा। पेंट कराएंगे गृह प्रवेश से पहले, जब यहाँ पे कुछ सामान ला कर फर्नीचर वगैरह रखेंगे ना हम ला के। और आज गुड्डू के पापा बोल रहे थे मुझे कि जो हमारी सब्जियाँ हैं जो मैंने लगाए थे छोटे छोटे से भी डिस्पोजल में, अभी तक मैंने चेक नहीं करे उन्हें पानी की ज़रूरत क्या है। वे सबसे ऊपर वाले रूम में रखे सेकेंड फ्लोर पर, वहाँ पर कोई नहीं गया तो वे देख के आए होंगे पता नहीं मुझे, लेकिन मेरा तो जाना हुआ नहीं वहाँ तक। आज देखूंगी शाम के टाइम जाऊंगी, पहले तो ये काम जरूरी है। ये जो चिड़िया है ना, जैसे कि हमने देख के चोच मारा इसमें, उनको तेरे साथ बात क्यों नहीं कर रही सामने, ये देखिए पहला बुलेट पर नहीं कपड़ा गया, ये देखिए लग रही आज ये चिड़िया जंगल की चिड़िया है, जंगली चिड़िया। हाँ सोनी है, सोनी है, भगवान ने बहुत रंग रखे थे आज कड़ी की तक कर दिया नहीं, चाचा बताया थे ये घर जाके क्या डाल के इसको कौन से दे रखी रहा मेरी वो चिड़िया अलग है या अलग है जो चिड़िया घूम रही ये अलग है ये भी चिड़िया है जो एक मैं रे वे अब तो पक्षी बहुत कम दिखने लगे जब खेतों में नहीं रहे एक वो भी तो आख रहा था मम्मी कट फोड़वा हमारे आंगन में आ रहा था जब कच्चा था हाँ। ये देखो जी अब आई है लाइट, पूरे 1.5 घंटे का इंतजार करते करते सारे कपड़ों की धुलाई हो गई आज से, बस ये बेडशीट वगैरह रह रही और ये एक जोड़ी कपड़े प्रीति के रह रहे थे। अभी इसमें हमने जीन्स वगैरह डाल रखी है मशीन में और सूखने वाले, अब फटाफट से कपड़ों को सुखाएंगे और तार पर डाल लेंगे। बच्चों को जो ड्रेस पहन के जानी थी वो हमने पहले ही डाल दी थी। तो गाइस यहाँ बन रहा है रसगुल्ले के बखर का बूरा, क्योंकि रसगुल्ले अब जैसे खत्म होने लग रहे हैं ना तो बखर तो ऐसे पिया नहीं जाता, वो ऐसे बचा रहा है, तो यहाँ पे आज उसका बूरा बन रहा है। देखो इधर भट्टी लगी हुई है, ये बनने लग रहा और कुछ यहाँ पे बन गया। देखो ये पिताजी ने ना छान दिया बाल्टी में और बहुत सारा बखर बच रहा था, जो सफेद रसगुल्ले थे उनका भी और जो ब्राउन वाले थे वो कहा है बूरा अंदर रख दिया और पिताजी ने साथ के साथ ना वो छान के रख दिया। अभी वहाँ पे बनने लग रहा और एक टब बखर अभी और रखा हुआ है, ये देखो ऐसे पकाते रहो उससे बूरा बन जा। देखो इसमें ना बाल्टी में रख दिया और इस वाली बाल्टी में तो हमारी खटाई रखी जो बची थी और इसमें है बूरा, ये देखो अभी आधी बाल्टी बूरा ही बन गया और अभी और बनेगा जो बनने लग रहा वो तो है ही, उसके अलावा एक टब बखर अंदर भी रखा बूरा काफी सारा बन जाएगा।